हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूँ पूजा जोशी और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेरो रंगीलो पहाड़ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ला रही हूँ आपके लिए पहाड़ी रेसिपी चूकलाना, जो मैंने पिछली बार भी डाली थी पिछली वीडियो में भी, पर उसमें मैंने डिटेल में नहीं डाला था क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ फल डाले थे और रेसिपी नहीं डाली थी कि क्या क्या आइटम चाहिए, क्या क्या आइटम उसमें ऐड करना चाहिए और क्या क्या कैसे पड़ता है। तो हम पहाड़ी लाइफ स्टाइल में बना रहे हैं दोस्तों, आप अपने स्टाइल में बना सकते हैं, लेकिन जो मेरी पहाड़ी लाइफ स्टाइल में है, जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो आपको भी दिखाना चाहती हूँ। अगर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की वीडियो। तो चलते हैं सबसे पहले किचन में। तो रसोई घर में जाने के बाद सबसे पहले कढ़ाई गर्म करने के बाद हमें भूनना है भांग। तो भांग अच्छे से भूनेंगे एकदम ब्राउन करके। तो भांग भूनने के बाद तो दोस्तों हम मेटर लाएंगे, ये है हरा धनिया, उसके बाद मैंने डाल दिया हरा धनिया। तो फिर उसके बाद हरी मिर्च, तो आप लोग जितनी खाना चाहो उतनी डालो। फिर स्वाद अनुसार हमें नमक डालना पड़ेगा, तो नमक भी ऐड कर लिया मैंने। इसके बाद थोड़ा सा साबुत जीरा डालूंगी दोस्तों, आप चाहो तो डाल सकते हैं, ना चाहो तो नहीं भी डाल सकते, बस इतना ही डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें चीनी, तो इसमें डालते हैं चीनी दोस्तों। चीनी ऐड करने के बाद हमें इसे मिक्सी में पीसना पड़ेगा। तो मैं ये भांग भून चुका है, तो इसे भी मैं मिक्सर में डालती हूँ ये सभी चीज़ें ऐड करके। तो मैं इसे मिक्सर में डालूँगी ऐसे। तो इसमें इसको डालने के बाद तो दोस्तों हम इसमें मिक्सी में पीस लेंगे दोस्तों। तो मिक्सी में पीसने के बाद कुछ ऐसा दरदरा दिख रहा है, तो हमने बारीक नहीं हो रखा है, तो हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा इसमें। थोड़ा सा पानी डाल लें, तो पानी डालने के बाद हमें इसमें फिर घुमाते हैं एक बार। तो ये देखिए, घुमाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, अभी देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है दोस्तों। तो खाने में कैसा लगेगा मैं बता नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी। तो हम उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे माला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे माला घर मकुट तेरो यूं झलको, घर मकुट तेरो यूं झलको, झलकी काले गंगे की धारा, मेरे माला झलकी काले गंगे की धारा, मेरे माला उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। छत में बना रहे हैं चूक, तो ये देखिए मेरा गाजर कट रहा है, बाकी चीज़ें सब बन चुका है। तो गाजर भी ख़त्म होने को है, हमने मेटल भी डाल दिया जो मैंने पीसा था, और हम सभी लोग छत में बैठे हुए हैं, तो सभी लोग देखे खाने के इंतज़ार में बैठे हैं, और ये देखने में बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। बद्री के दारा का द्वार छाना, बद्री के दारा का द्वार छाना, ओ छन कन खले हर द्वारा, मेरे माला ओ छन कन खले हर द्वारा, मेरे माला उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, हिमाला तेरी। तो दोस्तों, इसमें बारी आई नमक चखने की, तो थोड़ा सा कम हो गया नमक, तो हमने ऊपर से ऐड किया, तो आप डाल सकते हैं। तो चीनी एकदम फिट है, तो कुछ ऐसा बनाया और दिखने में बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। देखिए, अब बारी आती है इसके उसको देने की, तो कटोरी में डाल के देना पड़ेगा। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं खाने में, मैंने भी नमक टेस्ट किया, बहुत ही ठीक था, अब बढ़िया है। हमने नमक डाल के इसे हिलाया, क्योंकि हिलाना ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा कलर आ रखा है मूली के साथ इसका, बहुत ही टेस्ट आ रहा है, और देखने में एकदम ऐसा लग रहा है जैसे राल टपक रहा है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और खाने में भी एकदम मज़ेदार। तो ये देखिए, हम सभी लोग बैठे हैं छत में, हम सभी लोग बना रहे हैं। तो अब बारी आई कटोरी में डालने की, तो अब हम इसे कटोरी में डालेंगे, फिर हम खाएँगे। ये देखिए
सभी चीज़ें पहुंचनी चाहिए इन लोगों के लिए, गाजर भी, नींबू भी, संतरा भी, और चाहे तो मूली भी डाल सकते हैं आप। ये देखिए इसमें रस डालना बहुत ज़रूरी है, रस का ज़्यादा टेस्ट है। धीरे धीरे हम ये सभी को देते हैं और फिर हम भी खाते हैं, और आप लोग भी देखिए बहुत ही मज़ा है, और आप लोग भी बना के ट्राई किए, बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। खैर हमारे पहाड़ में तो पौधे भी जम जाते हैं, पौधे में किसी के पौधे हो तो उसी से मिल जाता है, नहीं तो आप बस से लाओ। तो ये देखिए सब खाने लगे, ये देखिए छी आँख में जाएगा बाबा ऐसे। बहुत ही मजा आ रहा है देखिए उसे भी और हमें भी। मम्मी कैसा हुआ है? बढ़िया।